तो कैसे हैं गाइस आप लोग। आज मैंने आपको ना ही तो व्लॉग बनाने वाला हूँ, मतलब व्लॉग तो बनाऊंगा लेकिन एक वीडियो टाइप बनाऊंगा। आज हम लोग बताने वाले हैं पोमोग्रेनेट ट्री के केयर के बारे में, केयर और उसको कितनी खाद डालनी चाहिए, कितना पानी देना चाहिए, उन सब के बारे में। ठीक है चलो अब अपना पेड़ दिखाते हैं आपको। पोमोग्रेनेट गाइस, ये मेरा पोमोग्रेनेट का ट्री है, इसको रुको आगे कर लेते हैं। और गाइस ये देखो, ये लगभग एक साल पुराना पेड़ है और इस पे फ्रूटिंग्स भी आ रही हैं। किधर गए फ्रूटिंग, रुको गाइस दिखाता हूँ। गाइस इधर आ रही है फ्रूटिंग, देखो छोटे छोटे लाल कलर के फूल आ रहे हैं, आपको दिख रहे हो तो। मैंने थोड़े टाइम पहले ही मैं एक पूजा में गया था, घर लिया थे मेरे एक अंकल ने, तो उनकी पूजा में उन्होंने हमको एक तुलसी का पेड़ गिफ्ट किया था, इतना छोटा था तब लाया था, ये कितना बड़ा हो चुका है। और रही बात हमारे पोमोग्रेनेट ट्री की, तो आपका पहला सवाल, फूल आपके आते हैं तो झड़ जाते हैं, इसका तो सोल्यूशन एक ही है, आपको 10-12 दिन में खाद डालना है। अभी तो मेरी मिट्टी गीली है, वरना मैं खाद डाल के आपको दिखाता, क्योंकि उसको चलाना भी रहता है 5-6 दिन में। और पानी इसको कितना देना है, देखो पानी अगर आपको देना है तो आप हर दिन सुबह पानी दे सकते हो, और शाम को अगर मिट्टी सूखी दिखी तो पानी दे सकते हो। ठीक है, टिल देन टेक केयर, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।